फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर के आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जो हमने 19 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। सो सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि नेशनल एपिलिप्सी डे, ये हाल ही में 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। बी ऑप्शन आपका सही है और काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि हाल ही में किस राज्य की ग्रीन और वाइट टी को GI टैग मिला है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन सही है आपका। वेस्ट बंगाल की ग्रीन और वाइट टी को हाल ही में GI टैग मिला है। आपको बता दो कि वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग में ये ग्रीन और वाइट टी पाई जाती है, ठीक है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। सबसे पहले तो आपको GI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और GI टैग किन प्रोडक्ट्स को मिलता है ये भी मालूम होना चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, GI की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और GI टैग ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर जगह के फेमस होते हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पर ही उगाए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को GI टैग मिलता है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अब तक 600 से अधिक प्रोडक्ट हैं भारत के जिन्हें GI टैग मिल चुका है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत का पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसे GI टैग मिला था। तो भारत का पहला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को 2004 में GI टैग दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर GI टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। और जैसे मैंने बताया कि ये जो ग्रीन और वाइट टी है जिसे हाल ही में GI टैग मिला 2019 में, ये वेस्ट बंगाल की फेमस है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल के अंदर लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294 हैं और फोक डांस गंभीर है। और वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क है जलाधपरा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। बी ऑप्शन आपका सही है। शरद अरविंद बोबड़े हाल ही में 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे रंजन गोगोई, 46वें मुख्य न्यायाधीश। रंजन गोगोई ने हाल ही में 17 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया है। और उसके बाद जो नए बने हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। याद रखना इनका नाम आपको। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो पिक्चर में देखिए जो दिखाई दे रही है शरद अरविंद बोबड़े, 47वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो उनका नाम है श्रेयसी सिंह। ए ऑप्शन सही है। देखिए जो पिक्चर में दिखाई दी है श्रेयसी सिंह, इन्होंने हाल ही में निशानेबाजी प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये हमारे भारत की निशानेबाज है। और उसके बाद ये पता लग गया कि गोल्ड किन्होंने जीता। उसके बाद पता होना चाहिए कि जो रजत पदक है और कांस्य पदक है ये किन्होंने जीता है। तो रजत पदक राजेश्वरी ने जीता है, ये भी हमारे भारत की है, राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता मतलब भारत की प्लेयर थे इसमें, ठीक है। और जो कांस्य पदक है ये प्रगति दुबे ने जीता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, श्रेयसी सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता है, राजेश्वरी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और प्रगति दुबे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। देखिए ये जो राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता थी ये आपको मालूम होना चाहिए
इसके बारे में कि इसका 63rd एडिशन था ये, और इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। न्यू दिल्ली के बारे में आपको सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होगी कि इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपका कि हाल ही में किस देश ने टाइफाइड एंजुगेट वैक्सीन की खोज की है, वैक्सीन मतलब टीका, ठीक है, इंजेक्शन, तो उस देश का नाम है पाकिस्तान, सी ऑप्शन सही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में टाइफाइड के खतरे को बढ़ते देखते हुए उन्होंने एक वैक्सीन की खोज की है जिससे टाइफाइड को कम किया जा सकता है और उसे रोका जा सकता है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जिसने इस टीके की खोज की है, ठीक है, तो दुनिया का पहला देश है पाकिस्तान जिन्होंने टाइफाइड एंजुगेट वैक्सीन की खोज की है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये WHO के द्वारा सर्टिफाइड भी किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1948 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का ये स्विट्जरलैंड में है, और WHO के जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस एधनोम का नाम याद रखना है। अब यहाँ पर आपको पाकिस्तान के बारे में भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी, प्रेजिडेंट है अरीफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई पाकिस्तान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया, तो विश्व शौचालय दिवस जो है ये हाल ही में 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, सी ऑप्शन आपका सही है। आपको बता दूं कि ये जो दिन है ना ये हर साल मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है उद्देश्य बता देती हूँ, तो स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2013 में UN ने इस दिन को मनाए जाने की मंजूरी दी थी, और अगर इस साल यानी कि 2019 में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है तो इसका थीम आपको मालूम होना चाहिए, तो इस साल का थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड। क्या थीम है? लीविंग नो वन बिहाइंड। अब जैसे मैंने बताया कि UN ने 2013 के बाद इसको सर्टिफाइड किया था, यानी कि इसको मंजूरी दी थी इस दिन को मनाए जाने की, तो UN के बारे में मालूम होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, स्थापना 1945 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, UN के जो सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटरेस, और जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई विश्व शौचालय दिवस से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद नवंबर के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए एक बार वो रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया, और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, 12 नवंबर को निमोनिया दिवस प्लस जन प्रसारण दिवस मनाया गया, ठीक है, और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, 14 नवंबर को बाल दिवस प्लस डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया गया था, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस जागरूकता दिवस प्लस इंटरनेशनल टॉलरेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, और उसके बाद 17 नवंबर को भी आपको याद रखना है, तो 17 नवंबर को हाल ही में सड़क यातायात के पीड़ितों के लिए स्मृति दिवस मनाया गया है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए नवंबर के मंथ में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में जल प्रबंधन के लिए 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने हाल ही में ADB के साथ 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो समझौता है ये किस राज्य के लिए किया गया, तो ये समझौता कर्नाटक राज्य के लिए किया गया, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। कर्नाटक में जल प्रबंधन के लिए और सिंचाई जल प्रबंधन के लिए, ठीक है, इस समझौते को किया गया। यहाँ पर ADB के साथ समझौता किया गया, तो ADB के बारे में पता होना चाहिए, प्लस कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। तो ADB फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ADB की अगर स्थापना पूछी है तो स्थापना 1966 में हुई है,
हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है, ठीक है। और एडीबी के कितने देश मेंबर है, तो 68 देश एडीबी के मेंबर है। और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है तकिको नकाओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है एडीबी से रिलेटेड। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो समझौता है ये कर्नाटक राज्य के लिए किया गया, तो कर्नाटक के बारे में भी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कर्नाटक, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है BS येदियप्पा, गवर्नर है बज्जू भाई वाला, और कर्नाटक के अंदर लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12 और विधानसभा सीटें 224 है। कर्नाटक का जो फोक डांस है वो है ढोलू कोनीता, और नेशनल पार्क है नागरहोली नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कर्नाटक से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में किस मंत्रालय ने गुजरात में सांस अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो उस मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने गुजरात में सांस अभियान शुरू किया है। अब आपको सबसे पहले तो पता चाहिए कि ये अभियान क्यों शुरू किया गया है, तो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और उद्देश्य भी बता देती हूँ, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो निमोनिया है, निमोनिया से आपको पता ही है, निमोनिया से जो मौतें होती हैं उसको कम करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सांस, इसकी फुल फॉर्म पता चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज टू निमोनिया सक्सेसफुल। क्या फुल फॉर्म है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज टू निमोनिया सक्सेसफुल। तो ये फुल फॉर्म है सांस की, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो अभियान है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री का नाम इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ठीक है। और जैसे ही बताया कि ये जो अभियान है ये गुजरात में शुरू किया गया, तो गुजरात के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्गदर्शिका गुजरात है, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के अंदर लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182 हैं। फोक डांस गरबा, नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गुजरात से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू किया गया है, ठीक है। तो उस राज्य का नाम है मेघालय, सी ऑप्शन सही है। मेघालय में हाल ही में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू किया गया। और आपको बता दो कि ये जो फेस्टिवल है ये इसका चौथा संस्करण है, जो कि 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसमें साउथ कोरिया के जो राजदूत है जिनका नाम है शीन बोंग किम, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ब्लॉसम इसका मतलब पता होना चाहिए, तो ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जो फेस्टिवल है ये मेघालय में शुरू किया गया, तो मेघालय के बारे में भी इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। यहाँ पर है देखिए मेघालय, इसकी कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा और गवर्नर तथागत रॉय है। मेघालय के अंदर लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। और मेघालय का जो फोक डांस है वो है बांग्ला, और नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मेघालय से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया गया, तो इंटरनेशनल मैन डे जो है ये हाल ही में 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, ए ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो पुरुषों को भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल मैन डे, ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। और ये दिन पहली बार कब मनाया गया था, तो ये दिन पहली बार 2007 में मनाया गया था। और अगर 2019 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आपको मालूम होना चाहिए, तो 2019 का थीम है मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज। क्या थीम है, मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस से रिलेटेड। और नवंबर के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे वो मैंने रिपीट कर दिए हैं, तो वो आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जारी IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर। तो हाल ही में IMD ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की है जिसमें हमारा भारत जो है ये 59th रैंक पे है। सी ऑप्शन आपका सही है। और आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग है ये किस बेसिस पे जारी की गई है। तो ये रैंकिंग विकास, अपील और तैयारी इन तीन विषयों के ऊपर जारी की गई थी, ठीक है, जिसमें भारत को 59th रैंक मिला है। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। तो फर्स्ट थ्री रैंकिंग याद रखनी है प्लस भारत की रैंकिंग याद रखनी है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये IMD बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी की गई थी। तो IMD की फुल फॉर्म बतानी थी तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और IMD का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड का बिजनेस स्कूल है जिन्होंने ये टैलेंट रैंकिंग जारी की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो उस राज्य का नाम है असम। बी ऑप्शन सही है। असम ने हाल ही में ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट लॉन्च किया है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसे क्यों लॉन्च किया गया है, तो खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दी जा सके इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है, तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम असम ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि इन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया और किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कार्यक्रम है इसे असम राज्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो असम के बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पर असम, इसकी कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर का नाम बता दिया सर्बानंदा सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी। और असम के अंदर लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 126 है। और इसका फोक डांस बिहू है और नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई असम से रिलेटेड और ये थे आपके आज के यानी कि 20 नवंबर के करंट अफेयर्स। और जैसा कि स्टार्टिंग में आपको कहा गया है कि लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आज का आपका टेस्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया। चार ऑप्शन में से बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।